हेलो गाइस, आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है हेपेटाइटिस बी पे, जिसे बहुत सारे लोग हेपेटाइटिस बी के नाम से भी जानते हैं, जिसे HBSSG के नाम से भी जानते हैं। कैसे टेस्ट होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है गाइस। सबसे पहले हमें एक सिंपल का रिक्वायरमेंट होता है जिसे प्लेन वाइल मिलेंगे। गाइज आपको दिख रहा होगा वीडियो में प्लेन वाइल का। उसके बाद हमें गाइज पड़ता है एक पिपेटिंग का सैंपल लेने के लिए और एक किट का रैपिड टेस्ट कर रहे हैं गाइज। किट सबसे पहले हम लोग किट को फाड़ते हैं, फाड़ने के बाद रैपिड किट बाहर रहते हैं गाइज, ये रैपिड किट है। उसके बाद हम सेट कर चुके हैं पिपेटिंग, हम देख रहे हैं 60 माइक्रो लीटर है गाइज। सैंपल को हम करेंगे सीरम लेना रहता है गाइज। उसके बाद आप देख रहे हैं सीरम निकला हुआ है। सीरम 60 माइक्रो ले लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं एक यहाँ पे होल टाइप का है, उसमें इसको डिजॉल्व कर देंगे गाइस। उसके बाद टाइमिंग 20 मिनट वेटिंग करेंगे गाइस। 20 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं, टाइमर में लगा लेंगे 20 मिनट, उसके बाद देखते हैं। थैंक्स गाइस, वेटिंग 20 मिनट करने के बाद फिर आते हैं। गाइज इसका दोनों लाइन आ चुका है, टेस्ट पे भी और कंट्रोल पे भी। इसका HBSSG पॉजिटिव है गाइज और हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव है गाइज। फिर भी हम 20 मिनट वेट कर लेंगे गाइज। गाइज अब सब समय हो चुका है और ये समय हो चुका है, रिजल्ट आ गया गाइज। इस पेशेंट का HBSSG पॉजिटिव है और आप लोग जान चुके क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है HBSSG करने के लिए और हेपेटाइटिस भी करने के लिए। सबसे पहले हमको सैंपल का जरूर पड़ता है जो कि प्लेन वाइल में होना चाहिए, और उसको 60 माइक्रो लीटर लेंगे पिपेटिंग से गाइज। उसके बाद डिजॉल्व कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट 20 मिनट में आ जाता है गाइज। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।